करते हैं दिल्ली में कोरोना के नहीं सुधर रहे हालात की। बीते 24 घंटे में कोरोना से 407 लोगों की दिल्ली में मौत हुई। दिल्ली में आज से 18 साल से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होना है। सरकारी सेंटरों में 18 साल से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो हर किसी को चिंता में डाल सकता है। दिल्ली में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में लगातार 400 से ज्यादा हो रही रोजाना मौत। दिल्ली में जांच में हर तीसरा शख्स संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से हालात संभल नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 407 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल 92,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना के फैलने का आलम ये है कि जांच में हर तीसरा दिल्लीवासी कोरोना से संक्रमित मिल रहा है। ऑक्सीजन की दिक्कत जारी है। कोरोना से जुड़े दवा और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोरोना से जुड़ी दवाएं और उपकरण MRP से ज्यादा कीमत पर नहीं बिके। वही दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली के सरकारी सेंटर पर भी 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट ओपन हो चुके हैं। आज से दिल्ली में अलग अलग सरकारी जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इससे पहले 1 मई से ही दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 18 से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। इस याचिका में भारत के कई कंपनियों के रेमडेसिविर दवा बेचने पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। अगर कोरोना को लेकर देश की बात करें तो हालात अभी भी बेहद खराब है। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुओ मोटो में केंद्र सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि 2 दिनों में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को ठीक किया जाए। केंद्र सरकार आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करे। बफर स्टॉक तैयार करने में केंद्र सरकार राज्यों से सहयोग ले। आपातकालीन स्टॉक अगले 4 दिनों के अंदर बनाया जाए। केंद्र सरकार 2 हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती लोगों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए, जिसे सभी राज्यों को मानना होगा। राष्ट्रीय नीति बनने तक अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी मुद्दों पर जवाब दाखिल करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी सहित कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर लगातार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लोगों को अब कोरोना से निपटने के लिए सरकार से ज्यादा कोर्ट पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।